टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 इन इक्वालिटीज। सर अभी चैप्टर्स पढ़ाए नहीं गए स्कूल में। ओके कोई बात नहीं, तू कर ले फिर। अभी छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अनिका तेरे को नहीं आ रहा फिर भी कर ले, ठीक है? चैप्टर 11 यस सर। इनक्वालिटीज फॉर क्लास 9 फॉर आईसीएसई फ्रॉम सलीना कंसाइज। हियर इन इक्वालिटी का मतलब है नॉट इक्वल। जहां पे इक्वल ना हो दैट आर कॉल्ड इन इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या इक्वल होगा? इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, दो ही चीजें होंगी ना। मतलब ट्रायंगल के अंदर हमें अगर मतलब इनक्वालिटी चैप्टर है तो एक साइड ग्रेटर होगी बाकी दोनों से। यहां पे सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट बेटा, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, उसके अंदर कोई दो साइड का कंपैरिजन कर लो। बी सी ग्रेटर देन ए बी ले लेते हैं हम। बी सी क्या ले लेते हैं हम? ग्रेटर देन ए बी ले लिया। और निकाह बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल एंगल ए। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी मतलब अगर बी सी ए बी से ग्रेटर है तो बी सी के सामने एंगल ए, ग्रेटर सिंबल ऐसे, ए बी के सामने कौन सा है? सी। एंगल ए एंगल सी से ग्रेटर होगा। सेकेंड थ्योरम, साइड की जगह एंगल आ जाएगा, एंगल की जगह साइड आ जाएगा। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ए बी सी, मान लो एंगल बी ग्रेटर है एंगल ए से, तो अर्पण एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड होगी? एसी बी के अपोजिट ए सी साइड होगी। मतलब अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, देन ए सी ए के अपोजिट। ए के अपोजिट कौन सी साइड है अर्पण? बीसी बी सी। रीजन ये लिखेंगे, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। और इसकी अब थर्ड थ्योरम, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स का सम, एनी टू साइड का सम, ए बी प्लस बी सी ले लेते हैं, किससे ग्रेटर होगा? तीसरी साइड कौन सी बची? ए सी से ग्रेटर होगा। अगर मैं ए सी एंड ए बी ले लूं, ए सी प्लस ए बी बीसी खुशागरा, किससे ग्रेटर होगा? हाँ जी खुशागरा, ए सी प्लस ए बी किससे ग्रेटर होगा?
बीसी सर। यस बीसी से। तीसरा अगर मैं ले लूं बच्चे बीसी एंड एसी, अनिका बीसी प्लस एसी किससे ग्रेटर होगा? सर एबी। ए बी से। ये कंडीशन समझ गए, ये चीज याद रखनी है। अब एक प्रॉपर्टी और, एक थ्योरम और हमने करनी है। अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, यहां से बहुत सारी लाइन ड्रॉन है इस लाइन पे, तो उनमें से जो शॉर्ट परपेंडिकुलर लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। ऑफ ऑल द लाइंस, ऑफ ऑल द लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन, टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन, टू अ इस लाइन पे, टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टकट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की बजाय ये लिख देंगे रीजन में, अगर जब यहां पे आएगा। मतलब कहने का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पे ए ही है ना जो, वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी जी पे। समझ गए? यस सर, यस सर। एक पॉइंट और याद रखिए, जैसे हमने सम वाला किया था ना, ये पॉइंट कि सम ऑफ एनी टू साइड, यहीं पे लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ any two sides of a triangle is always less than third side, third side से क्या होगा, less होगा always। इसको छोड़ दो, और कोई theorem इसके अंदर नहीं है। तो अभी हम exercise पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 11। इसमें बच्चे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू के अंदर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इन द एडजॉइनिंग फिगर वी फाइंड ए बी इज इक्वल टू, इस फिगर में बेटा मैं फिगर बना देता हूं, ए पार्ट ये एंगल 115 है, ये वाला एंगल 125 है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है। हाँ जी, चार ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले एक काम करो, ये एंगल फाइंड करो। तो अर्पण कैसे होगा, हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, रीजन लीनियर पैर। हाँ मतलब मैं सीधा यहाँ पे शॉर्टकट ही कर रहे हैं हम, क्योंकि एमसीक्यू है, 65 आ जाएगा, रीजन लीनियर पेयर, ये 65 आ गया, ऐसे ये एंगल आ जाएगा, दोनों का सम 180, 180 में से 125 माइनस किया 55 डिग्री, 55 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे, 60 60 60 60 हाँ 60 आ गया।
तो यहां पे पहली ऑप्शन है ए बी, इसके इक्वल होगा ए सी के। अगर बेस एंगल इक्वल होते बच्चे तो ये दो साइड्स इक्वल होती, बट यहाँ बेस एंगल इक्वल नहीं नहीं है तो ये साइड्स इक्वल नहीं होंगी। समझे बच्चे? अब सेकंड ऑप्शन है बी सी ग्रेटर देन ए बी। बी सी के सामने कौन सा एंगल है? 65। ए बी के सामने 60। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, तो बी वाली ऑप्शन क्या होगी, सेकंड वाली ऑप्शन क्या होगी? ट्रू होगी, बी सी ग्रेटर देन ए बी। समझ गए क्यों है? ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बी ऑप्शन, बी पार्ट, अनिका सर ए बी डी सी। ये एंगल 60 है, ये एंगल 25 है, यहां पे दोनों पे कट लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यस तो चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस लिख देता हूं। बी डी डी सी के इक्वल, सेकेंड बी डी लेस देन डी सी, थर्ड बी डी ग्रेटर देन डी सी, फोर्थ ए डी इज इक्वल टू सी डी। देखो ये दो साइड्स इक्वल है ना, यस तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? बी एंड एंगल ए ए तो ये भी है, ये भी है, पूरा भी ए है। सर एंगल एंगल बी ए डी कितना आ गया? 60 आ गया। अब ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये भी कितना आ सर जाएगा? सिक्सटी बी डी एंड कॉन्सिस बी सी, उन्होंने बी डी एंड बी सी का रिलेशन बोला है ना। ये तो सिंपल है, वैसे तो पहली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, बी डी बी सी के इक्वल हो सकता है? और सॉरी बी डी डी सी बोला है ना। ओके बी डी डी सी के अपोजिट की, हाँ दोनों एंगल चाहिए। ये एंगल कितना आ जाएगा? सर 180 माइनस 60 120 120। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 35।30 बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी डी सी के इक्वल हो सकता है इस छोटी ट्रायंगल में? अनिका नो सर ये 35 है, ये 25। 25 यस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी ना। यस सी के अपोजिट कौन सी साइड है? सर एडी डी ए सी। डीसी बट ए डी किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? बीडी ठीक है, तो बी डी इज ग्रेटर देन डी सी। थर्ड वाली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चे, अर्पण यस समझ आया? विशाखा, यस सर यस और यस नो? सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। फिगर हमें दी हुई है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी के नहीं है। ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देन चार ऑप्शंस फिर से हैं, बी डी डी सी बी सी के इक्वल होगा, सेकेंड बी डी सी डी के इक्वल होगा, थर्ड बी डी लेस देन सी डी होगा, फोर्थ बी डी ग्रेटर देन सी डी होगा। बी डी इज इक्वल टू बी सी,
इसके लिए ये वाला एंगल बीडी गुड बीसी होना चाहिए, तो पहली ऑप्शन है जो, तो ये इसके अपोजिट ये वाला सा एंगल, इसके ये दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना? चलो यस सर, प्रूफ करते हैं हम। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए सी के अपोजिट एंगल ए बी सी। देखो सी को मैं अकेला क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एक ही एंगल बन रहा था, बट यहां पे बी पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं ना, इसने पूरा एंगल लिखा। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, नॉट पॉसिबल। बी डी लेस देन सी डी, ये पॉसिबल हो सकता है। बी डी ग्रेटर देन सी डी, मतलब सारा कुछ इसी ट्रायंगल का है, यही है ना? मतलब हमने इसके एंगल्स की वो करनी है कैलकुलेशन, रेशियो का, कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। यहां देखो बच्चे, ये दोनों एंगल इक्वल है ना? अनिका, एंगल सी yes, sir. एंगल सी को सी रहने दिया, एबीसी को मैं 1+2 लिख सकता हूं? yes, sir. मुझे अब ये बताओ, अगर सिर्फ एंगल 2 के साथ कंपैरिजन करना हो तो सी एंगल 2 से ग्रेटर हो जाएगा ना? यस सर। क्यों? होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास है लगा लो कितने रुपीस लें, 120 रुपीस। एक 100 का नोट है, एक 20 का नोट है, मतलब 120 इन दोनों के सम के इक्वल है ना? यस सर। अगर मैं अकेला 20 से कंपैरिजन करना हो या अकेले 100 से करना हो तो क्या होगा? ये होल एक पार्ट से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा ना? वैसे ही एंगल सी इन दोनों के सम के इक्वल है, एक पर एक एंगल से करना हो तो क्या होगा? ग्रेटर होगा। और सी एंड टू कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? इस नीचे वाली ट्रायंगल के एंगल है ना? यस सर। सी के अपोजिट कौन सी साइड है? बीडी। एंड टू के अपोजिट सीडी। बीडी इज ग्रेटर देन सीडी। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट। समझ गए? बी डी ग्रेटर देन सी डी, ये रही फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट सम डी, कुशाग्रा। ये एंगल 75 है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ये एंगल 35 है। तो कुशाग्रा सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल फाइंड करो, एंगल बीएसी किसके इक्वल होगा? सर 75 प्लस 35 माइनस 180 माइनस 180 पीछे नहीं आएगा, 180 पहले आएगा। 75 प्लस 35 110 बन गया, कितना आ जाएगा? 70। और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने कितने एंगल आ जाएंगे? ये 35 35 आ जाएंगे। यहां तक समझ आ गया तीनों को? यस सर। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा।
लीनियर पेयर से कर लो या एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। मैंने सारे एंगल फाइंड कर लिए। पहली ऑप्शन बी डी ग्रेटर देन ए बी, बी डी एंड ए बी कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? इस ट्रायंगल की साइड्स हैं ना, बी डी के सामने 35 है, ए बी के सामने 70 है, 35 70 से बड़ा है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ, बी डी लेस देन ए बी, या ये अभी किया था हमने, बताया बी डी के अपोजिट देखो 35 है, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है 70, 70 ग्रेटर है ना, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, सेकंड वाली। बी डी इक्वल टू ए बी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल इक्वल चाहिए थे ये दोनों, ये भी 35 होता ये, हाँ ए डी नहीं कोई भी नहीं है, डी सी लेस देन ए बी, डी सी लेस देन ए बी, ये कोई हम रिलेशन निकाल सकते हैं डी सी एंड, डी सी एंड ए बी का नहीं निकाल सकते, कि निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं, ये दो एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना, मतलब इन दोनों का ए डी ग्रेटर होना चाहिए था, ए डी पर यहां पे ए डी ग्रेटर देन ए बी होगा ना, क्योंकि 75 के अपोजिट 70 के अपोजिट, ए डी ग्रेटर देन ए बी, बट ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, उन्होंने बोला ए बी ग्रेटर देन सी डी, नहीं उन्होंने तो ये बोला है ना फोर्थ पार्ट में, डी सी मतलब, डी सी मतलब सी डी लेस देन ए बी, नहीं दिस रॉन्ग, क्योंकि सी डी ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट, एक्चुअल में ना ज्योमेट्री के सम्स में एमसीक्यू डाल तो दिए पर वो बात बनती नहीं है, ये एंगल 105 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 125 दिया है, चार ऑप्शंस हैं, ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए बी लेस देन बी सी, एंड द फोर्थ ऑप्शन ए सी इज इक्वल टू ए बी। एक काम करो, तीनों एंगल फाइंड कर लो, लीनियर पेयर से 75 आ जाएगा, लीनियर पेयर से 55 आ जाएगा, 130 ये 50 आ जाएगा, इन तीनों एंगल को एक ऑर्डर में लिख लो, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए, बी के अपोजिट ए सी, सी के अपोजिट ए बी, ए के अपोजिट बी सी। अब इन चारों ऑप्शंस में से देखो, ए बी ग्रेटर देन ए सी, नहीं ए सी ग्रेटर था ए बी से, पहली ऑप्शन रॉन्ग है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, यस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी लेस देन बी सी, नहीं ए बी बी सी ग्रेटर है, ए सी इक्वल टू ए बी, नहीं इक्वल नहीं है, तो सेकेंड वाली ऑप्शन क्या है हमारी, करेक्ट हो गई, समझ गए? यस सर, यस। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, टू प्रूव हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, दूसरा इन चारों का सम इन दोनों के सम से लेस, तीसरा इन चारों का सम इन दोनों डायगोनल्स के सम के इक्वल, फोर्थ वन ए बी प्लस ए सी लेस देन ए सी, ये तो हो ही नहीं सकती, इन दोनों का सम तो ग्रेटर होना चाहिए ना ए सी से, अगर हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन तो निकाल दो। चलो इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर होगा,
एसी से ना, फिर इस छोटी ट्रायंगल छोड़ दो, एक साथ वाले ट्रायंगल उठा लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये ट्रायंगल बन गई। बीसी प्लस सीडी किससे ग्रेटर होगा? बीडी। इस ट्रायंगल में सीडी प्लस एडी किससे ग्रेटर होगा? एसी। एसी से। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, थोड़े से ना इसमें रेक्टिफिकेशन, प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी, इन चारों को ऐड कर दो। अगर देखो ग्रेटर में ग्रेटर ऐड करेंगे तो होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर ना, ए बी, ए बी टू टाइम ए बी आ जाएगा, टू टाइम बी सी आ जाएगा, टू टाइम सी डी आ जाएगा, टू टाइम ए डी आ जाएगा। ए सी प्लस ए सी टू ए सी, बी डी प्लस बी डी टू बी डी, ए सी प्लस बी डी, टू से टू कैंसिल हो गया, चारों का सम इससे ग्रेटर, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? फर्स्ट वाली ऑप्शन करेक्ट हुई। ठीक है, समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर टू, ए बी सी डी, ये एंगल 70 है, ये एंगल 40 है, ये दो साइड्स इक्वल है, प्रूफ क्या करना है? गिवन में अपने आप लिख लेना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी 70, एंगल डी 40, ये गिवन में आएगा। शो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमने, ए सी इज ग्रेटर देन सी डी। सबसे पहले बच्चे ये देखना है, अनिका ए सी एंड सी डी कौन सी ट्रायंगल की साइड है? सर ए सी डी। ए सी डी, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? सर एंगल डी। डी। सी डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ए। एंगल सी ए डी। मतलब मैंने रफ में ये लिख लिया, अगर मेरे पास ये चीज बन जाती है ना, ये चीज बन जाए तो मेरा ये सम सॉल्व हो गया। मतलब हमने इसको नहीं देखना, हमने इस चीज को देखना कि ये कैसे लेके आए, हाउ वी कैन रीच ऑन दिस पॉइंट। ये दोनों साइड्स इक्वल है बच्चे? यस सर। तो कौन से दो एंगल इक्वल हुए? सर एंगल ए बी सी एंड ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए बी सी रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी 70 आ गया। अब एक काम करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा, जैसे लीनियर पेयर से करके फिर एंगल सम भी लगा सकते हैं। अगर एक ही स्टेप में करना है तो सीधा इन दोनों का सम इसके इक्वल। नाउ एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सी ए डी हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू 40 है, ये 70, एंगल सी ए डी कितना आ गया? 30। 40 साइड जाके माइनस होगा, ये एंगल 30 आ गया। बस अब नाउ एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, इस एंगल में डी के अपोजिट कौन सी साइड? ए सी। सी ए डी के अपोजिट साइड सी डी। रीजन हाँ जी अनिका, रीजन क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज, ये याद कर लो लाइंस, ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ओके, किसी को ये सम ना समझ आया हो बच्चे? अर्पण आ गया?
यस सर। खुशागरा यस सर। थर्ड सम इन अ ट्रायंगल पीक्यूआर क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल पी 36 दिया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट साइड, बहुत ज्यादा इजी सम है, ये दो साइड इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी 36 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड करेंगे 72, 180 में से 72 माइनस किया 108 आ गया, एंगल आर इन दोनों से ग्रेटर है ना, तो कौन सी साइड ग्रेटर होगी, विच इज द ग्रेटेस्ट साइड, पी क्यू, हाँ हम ऐसे लिख देंगे, एंगल आर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एंगल पी एंड एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, आर के अपोजिट पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर एंड आर के अपोजिट पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, साथ में रीजन ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। फोर्थ सम इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 एंड 13 8 एंड 13 देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज बिटवीन ए एंड बी, थर्ड साइड ए एंड बी के बीच में लाई कर रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी दिया हुआ है, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी ना, तो सॉरी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ए बी की वैल्यू 8, 13 मतलब बी सी क्या आ गया लेस होना चाहिए किससे 21 से, ऑल्सो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड ना, बोलो यस सर, मतलब यहाँ ए सी माइनस ए बी बड़ी में से छोटी माइनस करो ए स्मॉलर देन बी सी, ए सी 13 माइनस 8 5 ये आ गया बेटा, मतलब BC 21 से लेस होनी चाहिए, BC ग्रेट 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो देयरफॉर BC लाई बिटवीन 5 से लेके 21 के बीच में लाई कर रही है, 5 एंड 21 एंड 5 इज स्मॉलर देन 21, ए इज बी से स्मॉलर था ना, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 21, समझ गए बच्चे, यस सर, कैसे कर। नेक्स्ट सम इज आल्सो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट ओरली हो जाएगा ये, तो ये एंगल 57 है, ये एंगल 33 है, ये दो साइड्स इक्वल नहीं है, कहते बी सी ए सी एंड सी डी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग मतलब स्मॉलर से उसे पहले लिखनी है तीनों में से, उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये दो साइड्स इक्वल है ना, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ गया 57, मुझे चाहिए बी सी ए सी एंड सी डी चाहिए है ना, चलो हाँ जी सर, एंगल ए सी बी 67 डिग्री है,
चलो 60 कर दिया उसको, दिस इज 67। हाँ जी, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड कर लो, तीनों का सम 180, 77 14 1 12 1 13, 180 में से माइनस कर दो, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 46 आ गया। फिर ये एंगल क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। हमें बीसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी के सामने ये है, बीसी के सामने ये है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल बीएसी ना, ट्रायंगल मेंशन कर देना जिस ट्रायंगल की ये दो साइड्स हैं एबीसी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल बीएसी, बी के सामने कौन सी साइड है एसी, बीएसी के अपोजिट कौन सी साइड है बीसी, एक चीज तो ये आ गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, हमें एसी एंड सीडी चाहिए, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। नाउ इन ट्रायंगल सीएडी, एंगल सीएडी इज ग्रेटर देन एंगल डी, सीएडी के अपोजिट कौन सी साइड है सीडी, डी के अपोजिट कौन सी साइड है एसी, सीडी इज ग्रेटर देन एसी, समझ गए, लग गया पता? यस सर। सेकंड पार्ट मैं नहीं करवा रहा, अपने आप करोगे, आज ये सिर्फ 5 सम्स ही कर लो, कल हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और संडे मंडे को इसका टेस्ट होगा, ओके? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।